हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कहीं ना कहीं उसी रेंज में रहा, कभी नीचे कभी ऊपर। अभी इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं एंड इस वक्त जो है बिटकॉइन लगभग 1% के ऊपर है एंड उसका जो इम्पैक्ट है बाकी के ऑल्टकॉइन पे भी हमें दिख रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो जरूर आप सेकंड बैच में इनरोलमेंट कर सकते हो। ऑफर ऑनगोइंग चल रहा है और उसके ऊपर भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए वो जरूर जो है अवेलेबल है। कूपन कोड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के पुराने पोस्ट पे, तो जरूर जाके आप चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हां दोस्तों, आज के दिन अभी तक कैंडल का क्लोजर नहीं हुआ, लेकिन सुबह के 3 बजे मैं शूट कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था टेलीग्राम ग्रुप में कि मेरी अवेलेबिलिटी जो है अगले 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माय ट्रैवलिंग प्लान्स एज वेल एज कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे क्या मिलता है। तो मैंने ये क्विक वीडियो शूट कर रहा हूं सुबह लगभग 3 बजे के राउंड में। तो अभी यहां पे जो कैंडल देखने को मिला, ऑब्वियसली अभी कैंडल क्लोज होने में लगभग 2.5 घंटे बाकी है, लेकिन यहां पे जो लोएस्ट रीच किया वो 47,000 जो कि एज एक्सपेक्टेड गया था, एंड वहां से हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिला। हाईएस्ट अभी तक हमने $49,525 तक रीच कर लिया है। अगर आप देखोगे RSI लेवल, तो RSI लेवल इसी जोन में बना हुआ है। MACD और सकोस्टिक RSI अभी मोमेंटम जो है साइडवेज एक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ दिख रहा है, तो मुझे अभी बिटकॉइन इतना क्विकली रिकवरी लेता हुआ नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से हमें ओपनिंग की तलाश थी कि हमें कहीं ना कहीं US मार्केट के साथ हमें बेटर ओपनिंग मिले। तो कुछ खास नहीं मिला, बट यस, हम काफी नीचे चले गए थे तो वहां से हमें रिकवरी जरूर देखने को मिला है। बट ये इंपॉर्टेंट वही लेवल है जिसकी बात मैंने कल के TA वीडियो में कहा था कि यहां पे ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, यहां पे कैसे बिहेव करता है बिटकॉइन। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो फर्दर हम अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं। अभी फिलहाल जिस हिसाब से कैंडल 80 के अबव बना हुआ है, तो जरूर अभी कुछ आवर्स जरूर बिटकॉइन इसी जगह पे रहेगा। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर जो है इसका साथ दे रहा है, यानी कि अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि यहां पे हम कुछ आवर्स और बढ़त बनाएं। स्पेशली हमारा RSI जो है 50 के अब बाउंस लेता हुआ दिख रहा है, तो ये 1 आवर के लिए अच्छी बात है। यानी कि यहां पे अगर हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है तो हम 49,400 का लेवल क्रॉस कर सकते हैं। याद रखना, अभी तक हमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं देखने को मिला है, स्पेशली वीकडेज जब से स्टार्ट हुआ तब से बिल्कुल भी नहीं। यहां पे अभी भी जो है स्पॉट के मार्केट जो है अभी भी साइडवेज एक्शन में बना हुआ है। RSI हायर लो हायर मेंटेन करते हुए अपसाइड जा रहा है। एक्सपेक्टेशन है 43 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, लेकिन यहां पे ओवरऑल मोमेंटम 4 आवर के चार्ट पे जरूर बुलिश बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे अभी थोड़ा भी जो अपसाइड मोमेंटम आता है तो बिटकॉइन को आगे जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 50,200 के अराउंड में। तो ये लेवल जरूर याद रखना, अगर हमारे डेली कैंडल जो ये कैंडल जो अगले 2.5 घंटे में अगर इस लेवल के आसपास या इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो मैंने कल के TA वीडियो में कहा था कि ये बहुत अच्छा माना जाएगा। ऑल दो पॉसिबिलिटीज अभी बन रही है, लेकिन अभी भी ये कहना कि बिटकॉइन रिकवर कर गया तो जी नहीं, अभी ऐसे डिप के मोमेंटम आ सकते हैं। जिस हिसाब से अभी तक वॉल्यूम नहीं देखने को मिला कुछ खास हमें पूरे दिन, उस हिसाब से लग रहा है कि यहां पे हमें 49,700 या फिर 50,000 का लेवल हमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिखा सकता है। बात करता हूं डोमिनेंस चार्ट की, डोमिनेंस चार्ट जो है क्विकली से अगर देखे तो काफी ऊपर चला गया था 20 EMA, एज एक्सपेक्टेड रीटेस्ट किया लगभग 41.94 के आसपास, और अभी इस वक्त जो है रेड बना रहा है कैंडल, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था कि यहां पे शायद थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक देखने को मिला। अभी फिलहाल जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन डेली कैंडल क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये 20 के अबव जाना शुरू करता है तो आने वाले जो है 3-4 दिन BTC चार्ट पे आपको ज्यादा कुछ खास करते हुए नहीं दिखेंगे। स्पेशली बात करूं डोमिनेंस चार्ट, तो हमें वापस से इसी लाइन में रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता अगले 2-3 दिन, तो इन पे नजर रखना। और ये भी याद रखना है कि इसका मोमेंटम जो भी बिटकॉइन अभी दिखा रहा है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑल दो 1 आवर के चार्ट पे हम रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अभी भी लॉन्ग का पोजीशन मेंटेन है, तो यहां पे जिस हिसाब से रिजेक्शन बन रहा है उस हिसाब से जरूर लग रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा सकता है। लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा 1 डे का चार्ट दिखा रहा है वो जरूर जो है कहीं ना कहीं कह रहा है कि यहां पे पॉसिबिलिटीज अभी भी है कि अपसाइड जा सकते हैं आने वाले 2-3 दिन तक। लेकिन अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं, 40.74 के बिलो चले जाते हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है उस हिसाब से जरूर लग रहा है, लेकिन याद रखना 40 के आसपास हमें बाउंस बैक वापस से मिल सकता है, और ऐसे सिनेरियो में हम 50 RSI लेवल वापस से रीटेस्ट करने जा सकते हैं। तो आपको जो भी मोमेंटम दिख रहा है बिटकॉइन में वैसा ही ऑल्टकॉइन भी बिहेव कर रहा है। इथेरियम BTC चार्ट पे आज के दिन काफी नीचे चला गया था, 0.082 का लेवल रीच कर गया था, बट इस वक्त क्योंकि डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है और उसका इंपैक्ट सीधा सीधा इथेरियम के
BTC चार्ट पे चल रहा है, और इथेरियम जो है तेजी से 0.0867 जो इस साल का अभी तक पीक है वो रीच कर गया है। तो यहाँ पे अब ज्यादा दूर नहीं है 0.091 का लेवल या 90 का लेवल, तो जरूर आने वाले डेज में हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो है वीकली चार्ट पे हम जरूर बुलिश हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं आ सकता। ओवरऑल अभी हम बुलिश हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हम आने वाले एक दो दिन तो काफी ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं इथेरियम पे, एंड उसके बाद जरूर यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनेगा, एंड अल्टीमेटली जो है वहां पे वेट करने के बाद फिर मार्केट फर्दर आने वाले वीक्स में हमें बेटर दिखेगा। इथेरियम के BTC चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहीं इथेरियम के USD चार्ट पे देखो कहां तक नीचे चला गया था इथेरियम, वापस से 3900 का लेवल हमने रीटेस्ट किया, बाउंस बैक दिखा रहे हैं इस वक्त जब हमारा बिटकॉइन ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाया। जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा 50,000 या उसके ऊपर जैसे ही जाएगा, वैसे ही हमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। मैंने आपको बताया हुआ कि 49,000 तो नीचे का बिल्कुल जोन है, इसके नीचे तो ऑल्टकॉइन ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर हम 50,000 के ऊपर बन जाते हैं और ट्रेड करते हैं या फिर वहां पे साइडवेज एक्शन लेते हैं, तो जरूर ऑल्टकॉइन में आपको अच्छा खासा बढ़त मिलता हुआ दिखेगा। वही इंपैक्ट आपको मैटिक पे भी दिखेगा, मैटिक जो है आज के दिन काफी नीचे चला गया था 3600 सतोसी, लेकिन इस वक्त वापस से बिटकॉइन के थोड़ा बहुत ही रिकवरी के साथ ही जो है मैटिक ने काफी तेजी से जो है रीगेन किया है, और जरूर जो है कल का जो पीक था वो अभी थोड़े देर में हमारा रीच होते हुए दिख सकता है। ऐसे बाकी के ऑल्टकॉइन भी आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। याद रखना 200 EMA लाइन जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं, डेली चार्ट पे हम बैक टू बैक क्लोजर नहीं लेते हैं, तब तक हमारा बिटकॉइन सेफ नहीं है। स्पेशली 50,000 के लेवल अगर हमें बैक टू बैक क्लोजर मिल जाता है, हम येलो लाइन के अंदर बन जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्टकॉइन सेफ हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम एक और डिप लगाते हैं, जिसके चांसेस अभी फिर से बन रहे हैं और पॉसिबिलिटीज हैं कि हम थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम दिखाएं फिर रिजेक्ट हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑल्टकॉइन जो अभी हमने देखा है ब्लीड होते हुए या बिटकॉइन देखा है ब्लीड होते हुए, उससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। याद रखना हमें चाहिए ये सपोर्ट लेवल जल्दी से जल्दी रिकवर करें। आज पहला दिन है डेली चार्ट पे, अभी क्लोजर में लगभग अभी 2.5 घंटे बाकी है, तो जरूर जो है अगर 5:30 बजे सुबह तक अगर ये कैंडल 50,000 या उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये बहुत अच्छा संकेत है, फिर कल के दिन हमें बेटर मूव देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में, और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा ऑल्टकॉइन पे भी पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन जब 50,000 या उसके ऊपर या 49,000 वर्स्ट केस में रहता है तो ऑल्टकॉइन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, रादर देन ऑल्टकॉइन 49,000 के नीचे या फिर 50,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है। तो ये था क्विक अपडेट मार्केट का, इसके ऊपर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप अभी तक नहीं बने हुए तो जरूर जो आप फॉलो कर लो इन सारे प्लेटफॉर्म पे, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।